वेलकम फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंत्रा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हम पढ़ेंगे आईएस क्लासिफिकेशन। ठीक है, सॉइल का तो आप जो देख रहे हैं ये देख रहे हैं आईएस क्लासिफिकेशन का जो ग्राफ है आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं और इसके बारे में फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जो है थोड़ा सा कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक बता देता हूँ जो कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है इसमें। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है पहले चीज़ कि जो कर्व बनता है वो किसके बीच बनता है। कर्व बनता है हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, और लिक्विड लिमिट के बीच में है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच में हम ये आई एस सॉइल का ग्राफ रहता है हमारा। ठीक है, ये आपको जो नीचे वाली फर्स्ट लाइन ये वाली लाइन दिख रही है, ठीक है, नंबर एक वाली लाइन जो दिख रही है ये है ए लाइन है और नंबर टू वाली जो लाइन है जो वो है यू लाइन। ठीक है, और दो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो ए लाइन के, ठीक है, बिलो बिलो दी ए लाइन जो सॉइल होगी वो क्या होगी, सिल्ट और ऑर्गेनिक क्ले। ठीक है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे किसके ये क्या रहेगी, सिल्ट और ऑर्गेनिक क्ले रहेगी। ठीक है, और अबाव दी ए लाइन वो क्या रहेगा, हमेशा क्ले रहेगा। ये आपको थोड़ा जनरल प्रेफरेंस के लिए आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो यू लाइन है इसके इस साइड अगर कोई ऐसी सॉइल है तो वो नॉट सॉइल, वहाँ पर कोई सॉइल नहीं होती। ठीक है, एंड अब इसको देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे कि लिक्विड लिमिट इधर है तो अगर 29 और 35 के बीच में है तो ये क्या रहेगा, लो कंप्रेसिबल सिल्ट। ठीक है, या फिर लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, या फिर क्या रहेगा ये इंटरमीडिएट सिल्ट। ठीक है, या फिर हाई कंप्रेसिबल सिल्ट या हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा जगह ये क्या है, यहाँ पर सॉइल जो होती है ग्रुप में पाई जाती है। ठीक है, मतलब कि लो कंप्रेसिबल क्ले या फिर लो कंप्रेसिबल सिल्ट, ठीक है, ग्रुप में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। और इधर ये जो है हमारा ये जो है क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। तो बस आपको जनरल इसका फिगर याद रखना है कि कहाँ पर, मतलब कि किस किस की जैसे 29.6 और 35 के बीच में हमारा कौन सी सॉइल होती है, लो कंप्रेसिबल होती है, 35 से 50 के बीच में इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल होती है, और हाई 50 के बाद क्या होती है, हाई कंप्रेसिबल सॉइल होती है। तो आपको इसको थोड़ा सा फिगर याद रखना है कि जब हम यहाँ पर निकालते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि सॉइल कौन सी है, कौन सी कैटेगरी में आती है, तो आपको काम आता है यहाँ पर ये। ठीक है, तो मैं इसे कुछ जनरल फीचर बताता हूँ आपको मैं जो आपको ध्यान रखना है इसके लिए। ठीक है, ये देखिए आपको ध्यान रखना है इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन आई पी इज इक्वल टू 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आपको ध्यान रखना है हमेशा, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला उसके लिए। ठीक है, सेकेंड जो जनरल फार्मूला आपको सबको पता है आई पी एफ सॉइल क्या होती है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, अदर अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर इफ़ आई पी ऑफ सॉइल, ठीक है, आई पी ऑफ सॉइल इज़ लेस देन आई पी ऑफ ए लाइन, ठीक है, तो क्या होगी, सॉइल बिलो दी ए लाइन, सॉइल बिलो दी ए लाइन अगर हमने आई पी ऑफ सॉइल हमने फाइंड किया और वो लेस देन हो गया आई पी ऑफ ए लाइन से, तो आपको याद रखना है कि सॉइल हमेशा बिलो दी ए लाइन, और बिलो दी अगर ए लाइन होगी तो सॉइल क्या होगी, ऑर्गेनिक या फिर क्ले होगी, क्ले नहीं होगी वो सिल्ट होगी या ऑर्गेनिक सॉइल होगी। ये देखिए, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया था बिलो दी ए लाइन क्या है, ये है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको इफ आई पी ऑफ सॉइल ग्रेटर देन आई पी ऑफ ए लाइन, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन हो गया सॉइल अबव दी ए लाइन, ठीक है, सॉइल अबव दी ए लाइन, और अगर सॉइल अबव दी ए लाइन हो जाएगी तो क्या होगा, अबव दी ए लाइन हमेशा, मैंने क्या बताया था कि हमेशा क्ले होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये क्ले हो जाएगा अबव दी ए लाइन अगर हो गया तो। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है इफ़
लिक्विड लिमिट लेस देन 29.58 एंड आई पी ग्रेटर देन 7। ठीक है, अगर आई पी ग्रेटर देन 7 है और लिक्विड लिमिट लेस देन 29.58, ठीक है, तो ये क्या होगा, क्ले होगा। ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको। और यदि लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 29.58, ठीक है, अगर लिक्विड लिमिट हमारा 29.58 से ग्रेटर हो जाता है, देन अपने को ये रिक्वायर है कि हमको एलाइन चेक करना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, इन दिस केस अपने को एलाइन चेक करना है। अगर ये इससे क्या हो गया, मान लीजिए ये इससे ग्रेटर देन हो गया, तो फिर बताना मुश्किल हो जाता है कि सॉइल कौन सी कैटेगरी में आएगी। तो उसके लिए पहले जब तक हम एलाइन चेक नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है। ठीक है, तो हम उसके लिए अपने को एलाइन निकालना पड़ेगा। और आपको मैं कुछ जनरल बताया था, जनरल चीज़ें जो मैंने इसमें नहीं लिखी है वो आप उसको थोड़ा नोट कर लेंगे। मैं बता देता हूँ कि अगर लिक्विड लिमिट लेस देन 35 है, ठीक है, अगर लेस देन 35 है तो वो जो सॉइल होगी क्या होगी, लो कंप्रेसिबल सॉइल में आएगी। ठीक है, और अगर ये 35 से 50 के बीच में है तो क्या होगी, वो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल होगी। और ग्रेटर देन, अगर वो लिक्विड लिमिट 50 से अबव है, ग्रेटर देन 50%, तो वो हाई कंप्रेसिबल होगी। ये तीन चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे जो मैंने आईएएस क्लासिफिकेशन के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट जो कुछ पॉइंट्स थे जो आपको जनरल पता होने चाहिए थे, वो मैंने कवर किया यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और जुड़े रहें ऐसे ही वीडियो के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद।